हाय एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल और आज आपको मैं बताऊंगी कि चार नंबर के लोग कैसे होते हैं। 4, 13, 22 और 31, ये मतलब आप जब अपने नंबर, अगर दो नंबर आते हैं तो उनको सिंगल कर लो तो आप चार नंबर में आ जाते हो। तो वो नंबर के लोगों की क्या आदतें होती हैं, क्या चीज को वो अवॉइड कर सकते हैं और क्या करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो अभी हम देखेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। तो अब हम देखेंगे कि चार नंबर के लोग कैसे होते। चार नंबर वैसे तो राहु का नंबर है, बट चार नंबर के लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी अपनी लाइफ में करते हैं। उनकी लाइफ में हमेशा वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करते हैं, मतलब कुछ डिफरेंट दूसरे लोगों से वो हमेशा करेंगे। आपको नजर आएगा कि वो कुछ अलग करके दिखा रहे हैं। उनका माइंड बहुत फास्ट चलता है, बहुत फास्ट माइंड के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को बहुत इजिली कर लेते हैं। कि चार नंबर वाले से अगर आपको कोई बहुत मुश्किल चीज लग रही है, आप जाके चार नंबर वाले से सलाह लो, मतलब कि 4, 13, 22 या 31 वालों से वो उसको बहुत इजीली काम करने के तरीका आपको बता देंगे। अब आप देख सकते हो प्रीति जिंटा और कई हमारे ऐसे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने बड़े बड़े और कुछ डिफरेंट टाइप की मूवीज भी की हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के काम भी किए हैं। आज देखेंगे कि बाकी इनके लिए कौन से नंबर लकी होते हैं और कौन से नंबर अवॉइड करने चाहिए। आप कह सकते हो कि 1 और 4 का मैच हमेशा बहुत अच्छा होता है। आपका एक नंबर, आप अगर आपका पार्टनर है तो भी आप एक नंबर का पार्टनर लाइफ के लिए या तो अपने काम के लिए बनाते हो, हमेशा आपके लिए अच्छा होगा। आप अपने मोबाइल नंबर का टोटल, अपने घर का नंबर 1 लोगे तो भी आपके लिए अच्छा होगा। इस तरह से आपको गोमेद पहनना आपके लिए ऑलवेज बहुत अच्छा वर्क करेगा। हेजोनाइट, गोमेद चार नंबर वालों के लिए, क्योंकि वो राहु को शांत करने का नंबर है। और चार नंबर वाले जो लोग होते हैं उनको ऑलवेज फूड डोनेशन करते रहना चाहिए। वीक में एक बार आप फूड डोनेशन करो और आपको डॉग्स को फूड जरूर खिलाना चाहिए। आप दूध में भिगो के या दूध में डाल के ब्रेड या रोटी डॉग्स को डालो, आपके लिए वो बहुत अमेजिंग वर्क करेगा। आपके राहु को शांत रखेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद देगा। ऐसा नहीं है कि राहु है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, राहु हमको राजा बना सकता है, हमको दुनिया की हर लग्जरी हर चीज दे सकता है। हमें शांत रखना है और उसके लिए छोटे छोटे ये उपाय अगर आप करते हो चार नंबर वाले, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिट देगा। चार नंबर वाले लोग होते हैं ना, इनको अपनी स्टमक हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इनकी स्टमक हेल्थ कई बार बहुत इशू बन जाता है इनके लिए, तो अगर ये शुरू से अपनी स्टमक हेल्थ का ध्यान रखेंगे और ये राहु का उपाय करेंगे तो इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों को बहुत ओवर वर्क नहीं करना है, आप लोग स्मार्टली हर काम कर सकते हो, तो ओवर वर्क करने की कोशिश मत करो। खासकर जो लोग कॉर्पोरेट में है, वो लोग अगर ओवर डोज करेंगे, ओवर वर्क करेंगे, लोग आपका फायदा उठाने लग जाएंगे। तो जितना आपका काम है आप उतना ही करो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके से। तो और आपको नो कहना आना चाहिए, हर एक को यस यस नहीं कहना। वैसे तो आप लोगों करते ही नहीं हो, बट स्टिल अगर कभी हो रहा है तो उस चीज पे ध्यान दो कि ये चीज इस वजह से हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने राहु को वीक कर रहे हो। तो ये चीज करने से आपके लिए, आप अगर ऐसा फील कर रहे हो तो उस समय धीरे 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 इस चीज को चेंज करो। और हम कह सकते हैं कि 22 नंबर वाले जो होते हैं ना, इनमें से जो नंबर होता है 4, 13, 22 और 31 में से 22 नंबर का जो 4 मिलके बनता है वो सबसे बेस्ट होता है। पूरा मैं आपको बाद में बताऊंगी। 13 नंबर का जो होता है वो मैं एक अलग रील बनाऊंगी आप लोगों के लिए, 22 नंबर की और 11 नंबर, क्योंकि ये दो मास्टर नंबर है। जो 13 नंबर होता है उनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा रहता है क्योंकि वो एक नंबर में आ जाता है और उनका जो है, उनको सन का और बृहस्पति दोनों की तरफ से थोड़ा सा वीकनेस फील होती है। तो आपको सन और इसकी बृहस्पति की थोड़े उपाय जरूर कर लेना चाहिए। जैसे जो 13 नंबर वाले हैं उनको सूर्य को जल भी देना चाहिए और विष्णु भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, उनको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। इस तरह छोटे छोटे उपाय उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये कार्मिक जो है नंबर, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बुरे होते हैं, बस थोड़ा स्ट्रगल हमारी लाइफ में होता है, हम उनको इन छोटे छोटे चीजों से उनको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हमने फूड डोनेशन किया, हमने डॉग्स को फीड किया, बस इन चीजों को। और खासकर एक चार नंबर वालों के लिए एक स्पेशल, और खासकर 4 और 13 नंबर, इन लोगों को अब्यूजिव बिहेवियर से बचना चाहिए। कि अगर आपको गाली देने की आदत है, आपको किसी को एकदम बैड वर्ड्स बोल देने की आदत है, तो वो आपकी लाइफ को स्ट्रगल दे सकती है। तो आप स्लोली अपनी इस हैबिट को
कम नहीं करना, छोड़ देना है आप। तो आपके लिए मैं यही कहूंगी, आप जो है पार्टनरशिप्स भी अवॉइड करो, आप कोशिश करो कि आप अकेले जो काम कर सकते हो वो अकेले करो, क्योंकि आपके लिए बिजनेस अकेले करना हमेशा बेनिफिशियल होगा। यू हैव द पोटेंशियल कि आप अकेले आगे तक बढ़ सकते हो। चार नंबर के रोग लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, थोड़े से रिबेल नेचर के होते हैं कि वो अपनी ही मनवाते हैं, अगर आप उनकी नहीं मानोगे तो वो थोड़ा रिबेलियस हो जाते हैं। तो आप उनके साथ प्यार से बात करो तो उनकी चीजें ठीक होने लग जाती हैं, या आपको अपने बिहेवियर में ये चेंज आप लेके आ सकते हो। आप कोई भी डिफिकल्ट वर्क को बहुत इजीली कर लेंगे। चार नंबर वाले 1, 10, 19 और 28 आपके लिए ऑलवेज गुड डेज रहेंगे। आप नोट कर लो, आपका कोई भी काम जो इन दिनों में अगर आप करते हो तो वो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। 8 नंबर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आपको, घर के लिए, आपके मोबाइल नंबर के लिए या फिर व्हीकल नंबर के लिए। तो आप अगर 8 नंबर अवॉइड करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 4 नंबर वालों की पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग होती है, बट इनको जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स थोड़ी रहती हैं, एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वो इनकी चीजें योगा से और मेडिटेशन से ही जा सकती हैं। तो आपको योगा और मेडिटेशन पे थोड़ा सा वर्क जरूर करना चाहिए, बट आपको 4 नंबर का जो बंदा होता है वो सपोर्ट बहुत करता है लोगों, तो आपके को अभी भी जरूरत है, 4 नंबर वाला आपको सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज रेडी रहेगा। तो उम्मीद पहनिए और 8 नंबर से दूर रहिए, बाकी आपके लिए 1 नंबर बहुत अच्छा है। और भी हम बहुत कुछ जानेंगे 4 नंबर से रिलेटेड आगे न्यू वीडियोस में। अगला वीडियो में आपको बताऊंगी कि 5 नंबर के लोग कैसे होते हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।